मोतबर सदारत के लिए आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर हाफिज अब्दुल मन्नान तर्जी साहब का नामे नामी इसमें ग्रामी पेश करता हूँ और उनसे मोतबाना गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब अब्दुल मन्नान तर्जी साहब, मैं बज़्म के सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगा कि उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ स्टेज पर पहुंचाएं और साथ ही आज के इस खूबसूरत मुशायरे की खूबसूरत निजामत के लिए पूरे मुल्क में मशहूर नौजवान शायर जनाब जमील अख्तर शफीक साहब जो सीतामढ़ी से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं वो आज के मुशायरे की निजामत फरमाएंगे। उनसे गुजारिश है कि वो आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। इनके साथ ही मैं बहुत अदब के साथ आवाज देना चाहता हूँ बज़्म रहबर के सरपरस्त, जिनकी सरपरस्ती में बज़्म रहबर ने 1991 से अब तक का सफर पूरा किया है। मेरी मुराद है अलहाज इंजीनियर उमर फारूक रहमानी साहब, उनसे दरख्वास्त है कि वो स्टेज पे तशरीफ फरमाए। और मैं गुजारिश करता हूँ जनाब करीम साहब से कि वो भी स्टेज को रौनक बख्शे। जनाब करीम अहमद साहब, अब मैं उन्हें आवाज देना चाह रहा हूँ जिनके तुफैल में आज की बज़्म सजाई गई है। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर मंसूर खुसर साहब कि वो स्टेज को रौनक बख्शे। आप स्टेज पे तशरीफ फरमाएं। अब बाज़ाब्ता मुशायरे की कार्रवाई शुरू करने के लिए मैं नाज़िम मुशायरा को ये जिम्मेदारी देता हूँ कि वो प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज फरमाएं। जमील अख्तर शफीक आपके रूबरू। इज्जत अफजाई के लिए बज़्म रहबर के तमाम अराकीन जिम्मेदारान और इस प्रोग्राम को आरास्ता करने वाले के फ़र्द का तहे दिल से ममनून हूँ। आपने बड़ी खूबसूरत मुख्तसर लेकिन जामع महफिल सजाई है, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद। जैसा कि ऐलान हुआ कि हमारे बीच आज के इस प्रोग्राम की सदारत आलमी शोहरत याफ्ता शायर मुस्तनद शख्सियत जनाब डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल मन्नान तर्जी साहब फरमा रहे हैं। प्रोग्राम जो हमारा ज़ाब्ता और उसूल है कि जिस प्रोग्राम का आगाज अल्लाह के कलाम से होता है वो प्रोग्राम बरकतों के हिसार में होता है, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए क़ारी मरजान आलम कासमी साहब हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है, उनसे बसत खुलूस अर्ज़ करता हूँ कि आएँ और प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करें। क़ारी मरजान आलम साहब कासमी। इससे पहले कि कलामुल्लाह से महफिल का आगाज़ हो, मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ उस्ताद शोरा जनाब रहबर चंदन पटवी साहब जिनके दम खम से ये बज़्म कायम है उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। साथ ही मैं अदब के साथ गुजारिश करता हूँ जनाब नियाज़ अहमद साहब साबिक़ ATM कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, स्टेज को रौनक बख्शें। والأرض فرشناها
قلبه